ग्वालियर पुलिस और क्राइम ब्रांच लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। ग्वालियर में लगातार गांजा, स्मैक, अफीम जैसे नशे मादक पदार्थ लगातार पकड़े जा रहे हैं। इस बीच ग्वालियर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पहली बार हीरोइन जैसे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के लिए पहुंचे दो अपराधियों को धर दबोचा है। तो पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के कब्जे से तकरीबन 400 ग्राम प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किए, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए से अधिक है। एसएसपी अमित सांखी ने बताया कि क्राइम ब्रांच और पुलिस लगातार नशा तस्करों और आरोपियों की धरपकड़ के लिए यह अभियान चला रही है। ऐसी कार्रवाई के तहत ग्वालियर निवासी विष्णु यादव और भिंड के रामवीर गुर्जर को पुलिस ने दबोचा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर पुलिस में आज ये क्राइम ब्रांच ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए दो नशे के तस्करों को पकड़ा है थाना मुरार क्षेत्र से, जिनके पास से लगभग 370 ग्राम हेरोइन, जो कि मॉर्फिन का, जो अफीम से निकलता है, इसका सबसे परिष्कृत रूप होता है, ये बरामद की है, जो इसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। और ये अभी हाल ही के वर्षों में ग्वालियर में ब्राउन शुगर, गांजा आदि पकड़े गए हैं, परंतु हेरोइन जो है ये पहली बार पकड़ी गई है।